हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के प्राचीन शहर बिजनौर के बारे में और कुछ दिलचस्प किस्से। अगर आप बिजनौर में रहते हैं तो आपको पता होने चाहिए। बिजनौर का भौगोलिक क्षेत्रफल है 6,561 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 99.2 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 79.6 किलोमीटर। संपूर्ण जिला 5 तहसीलों में बटा हुआ है, चांदपुर, बिजनौर, नगीना, धामपुर व नजीबाबाद। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। बिजनौर भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ एक और महाराजा दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भरत, परमहंस ऋषि कणव और महात्मा विदुर की कर्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। वहीं आर्य जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी बिजनौर को प्राप्त है। बिजनौर ने भारतीय राजनीति एवं आजादी की लड़ाई को हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना हिफ्जुर रहमान और मौलाना अब्दुल लतीफ गांधी जैसे कर्म योद्धा दिए। साहित्य के क्षेत्र में भी जनपद कहां पीछे रहने वाला है। महाराजा अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल और फैजी का पालन पोषण वास्तव में हुआ। उर्दू साहित्य में भी जनपद बिजनौर का गौरवशाली स्थान रहा है। कायम चांदपुरी को मिर्जा गालिब ने भी उस्ताद शायरों में शामिल किया है। नूर बिजनौरी, रिफत सरोश, कौशर चांदपुरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, अख्तर उल इमाम, निस्तर खानकाही, कायम बिजनौरी, अफसर जमशेद, शेख नगीनवी विश्व प्रसिद्ध शायर व लेखक इसी मिट्टी से पैदा हुए। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब शाहमत अली भी मंडावर बिजनौर के निवासी थे, जिन्होंने महारानी विक्टोरिया को फारसी भी पढ़ाई। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, संपादकाचार्य पंडित रुद्र दत्त शर्मा बिहारी सस्य की तुलनात्मक समीक्षा लिखने वाले पदम सिंह शर्मा और हिंदी गजलों के शहंशाह दुष्यंत कुमार, विख्यात क्रांतिकारी चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी पैंजनिया भी बिजनौर की धरती की देन है। इसी धरती ने भारतीय फिल्म जगत को न सिर्फ प्रकाश मेहरा जैसे निर्माता दिए एवं शाहिद बिजनौरी जैसे कलाकार भी दिए, बल्कि वर्तमान में फिल्म एवं धारावाहिक के मशहूर लेखक एवं निर्माता दानिश जावेद जैसे साहित्यकार और सुशांत चौधरी जैसे कलाकार भी मुंबई से बिजनौर का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में महेंद्र अश्क देश विदेश में उर्दू शायरी के लिए विख्यात है। धामपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम किवाड़ में पैदा हुए महेंद्र सिंह अश्क आजकल नजीबाबाद में निवास कर रहे हैं। और अमन कुमार त्यागी रेडियो रूपक, कहानी आदि के माध्यम से अपनी पहचान बना चुके हैं। वर्तमान बिजनौर में लोकसभा से श्री मलूक नागर सांसद हैं और भारतीय फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक, संगीतकार विशाल भारद्वाज का गृह जिला भी बिजनौर ही है। सन 1817 से 1824 तक जिले का मुख्यालय नगीना शहर था। अब बात करते हैं बिजनौर के इतिहास की। बिजनौर जनपद के प्राचीन इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अधिक प्रमाणों का अभाव है, लेकिन सबसे पहले बिजनौर का संदर्भ रामायण काल में आता है। वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र को पिल्लम एवं उत्तरी कारापत कहा गया है। भगवान श्री राम के छोटे भाई शेष अवतार भगवान लक्ष्मण जी के पुत्रों में से एक परम प्रतापी चंद्र केतु को इसी उत्तरापद का राज्य सौंपा गया। मध्यकाल तक यहां दारानगर में विदुर कुटी के गंगा तट पर युद्ध प्रदर्शन के रूप में छड़ियों का मेला भी लगता था, जिसे अपभ्रंश रूप में छड़ियों का मेला भी कहा जाता है। इस मेले में युद्ध एवं मल्ल युद्ध के प्रदर्शन हेतु देश भर के क्षत्रिय राजा भाग लिया करते थे। भूतकालीन भारत में चीनी यात्री हुएन सांग ने
छह महीने मतिपुरा मनावर में व्यतीत किए। हर्षवर्धन के बाद राजपूत राजाओं ने इस पर अपना अधिकार किया। पृथ्वीराज और जयचंद की पराजय के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा रहा, तब इसका नाम कटेहर क्षेत्र था। कहा जाता है सुल्तान इल्तुतमिश स्वयं साम्राज्य विरोधियों को दंडित करने के लिए यहां आया था। मनावर में उसके द्वारा बनाई गई मस्जिद आज तक भी है। औरंगजेब के शासनकाल में जनपद पर अफगानों का अधिकार था। ये अफगानिस्तान के रोह कस्बे से संबंधित थे, अतः ये अफगान रोहेला कहलाए और इनके शासित रोहेलखंड कहलाया। नजीबुद्दौला प्रसिद्ध रोहेला शासक थे, जिन्होंने पत्थरगढ़ का किला को अपनी राजधानी बनाया। बाद में इसके आसपास की आबादी इसी शासक के नाम पर नजीबाबाद कहलाई। इस क्षेत्र में कई राजपूत रियासत भी रही, जिसमें हल्दौर, राजा का ताजपुर, शेरकोट आदि प्रमुख थी। वहीं साहनपुर जाट रियासत थी। रोहेलो से यह क्षेत्र अवध के नवाब के पास आया, जिसे सन 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में जनपद ने अविस्मरणीय योगदान दिया। आजादी की लड़ाई में सर सैयद अहमद खान यहीं पर कार्यरत थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख सरकशी ए बिजनौर उस समय के इतिहास पर लिखा गया महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ग्राम पैजनिया के चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी ने त्यागी जी के माध्यम से उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह ने पैजनिया में शरण लेकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला को जलाए रखा। चौधरी चरण के साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले बाबू लाखन सिंह ढाका ने आजादी की लड़ाई में अपनी आखिरी सांस तक लगा दी। जन्म माहेश्वरी जट नामक एक गांव में हुआ था। बिजनौर में कृषि प्रमुख है। यहां पर रबी, खरीफ, जायद आदि की प्रमुख फसलें होती हैं, जिनमें गन्ना, गेहूं, चावल, मूंगफली की मुख्य उपज होती है। अब बात करते हैं हम शिक्षा संस्थान की, तो इसमें बिजनौर ने बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया। यहाँ पर प्रमुख स्कूल व इंटर कॉलेज हैं, एमडी इंटरनेशनल स्कूल, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल, एएन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, केपीएस बालिका इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बिजनौर इंटर कॉलेज, राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज और सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल। और भी यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं। इसके अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, वर्धमान कॉलेज और आरबीडी स्नातकोत्तर कन्या विद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में वीरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी कॉलेज में वे कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दो कानून विद्यालय कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ और वे कॉलेज ऑफ लॉ हैं। इनके अलावा भी और बहुत से कॉलेज हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और अब बात करते हैं बिजनौर में घूमने वाली जगहों की, जिन्हें दर्शनीय स्थल कहा जाता है। सबसे पहला स्थान है करुण आश्रम को। बिजनौर जनपद में अनेक ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जो जनपद की महत्वता को प्रतिपादित करते हैं। यहाँ पर मालनी और गंगा के संधि स्थल पर रावली के समीप कर्ण मुनि का आश्रम है, जहाँ शिकार के लिए आए राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर विवाह किया था। रावली के पास अब भी कर्ण आश्रम के स्मृति चिन्ह शेष हैं। बात करते हैं विदुर कुटी की। महाभारत काल का एक प्रसिद्ध स्थल विदुर कुटी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में कौरव को समझाने बुझाने में असफल रहे थे, तो वे कौरव के 56 भोगों को ठुकरा कर गंगा पार करके महात्मा विदुर के आश्रम में आए थे और उन्होंने यहाँ बथुए का साग खाया। आज भी मंदिर के समीप बथुए का साग हर ऋतु में उपलब्ध हो जाता है। इसी तरीके से दारानगर गंज, सेंधवार, पारसनाथ का किला, आजमगढ़, आजमपुर की पाठशाला,
मयूर ध्वज दुर्ग, फुलसंदा आश्रम और हनुमान धाम इसी तरीके के दर्शनीय स्थल हैं। और घूमने के लिए बिजनौर की सिविल लाइन, फेरी लैंड, किरतपुर का इतवार बाजार, नजीबुद्दौलिया का किला, उसको सुल्ताना डाकू का किला भी कहा जाता है, और इसी तरीके के बहुत से मॉल हैं यहाँ पर। और बात की जाए बिजनौरियों की तो उसमें मेहमान नवाजी सर्वप्रथम है। अगर आप देश से या विदेश के किसी भी हिस्से से आते हैं तो बिजनौर की मेहमान नवाजी के बारे में आपको बहुत से लोगों से सुनने को मिल जाएगा कि, और आप भी गर्व से कहेंगे कि हम बिजनौरी हैं।